मामला तहसील नवाबगंज के ग्राम हरैया का है। आवारा सांडों के आतंक के चलते पीड़ित ग्रामीणों ने पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष सुनीता गंगवार को बुलाकर सांडों के बारे में जानकारी दी। प्रशासन द्वारा सांडों के मामले के चलते कोई कार्यवाही न करने पर अध्यक्ष काफी नाराज दिखी। अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने बताया कि क्षेत्र में सांडों की जैसे बाढ़ आ गई हो। आपको बताना जरूरी है कि लगभग एक महीने में सांड 2-3 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। SDM नवाबगंज को सेक्टर ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज संस्था प्रमुख ने ग्रामीणों की मदद से 16 आवारा पशुओं को पकड़कर SDM कार्यालय पर पहुंची, लेकिन SDM ने सभी लोगों को पुलिस चौकी नवाबगंज में आवारा पशुओं को जमा कराने भेज दिया। लेकिन पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस के कुछ लोगों ने आपत्ति की, लेकिन SDM के कहने पर ग्राम अधकटा नजराना गौशाला में भेज दिया तथा ग्रामीणों और संस्था के पदाधिकारियों को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करने की चेतावनी दी। चेतावनी सुनकर ग्रामीण मौके से धीरे धीरे खिसकने लगे, लेकिन कोतवाली नवाबगंज के प्रभारी धनंजय सिंह ने अपनी सूझबूझ से मुकदमा पंजीकृत नहीं होने दिया और सभी लोगों को चेतावनी दी कि पशुओं पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सांड ने 10-15 दिन पहले नगरवासी अब्दुल सलाम के 15 वर्षीय पुत्र पर हाफिजगंज में हमला कर दिया, जिससे किशोर की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। लेकिन SDM नवाबगंज ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। संस्था अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा, ये उत्तर प्रदेश सरकार की अमानत है, इन आवारा सांडों को उत्तर प्रदेश के अधिकारी अपने साथ रखें, नहीं तो जो ग्राम हरैया में लगभग 150 सांड बाकी रह गए हैं, उन्हें संस्था पुनः पकड़कर सरकार के दफ्तर में लाकर छोड़ेगी और उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैडम, जानना चाहेंगे, यहाँ पे 3 दिन से आवारा पशुओं को ग्रामीणों ने बांध रखा है, काफी आक्रोश देखने मिल रहा है, लेकिन 5 ट्रालियों में भरके कहाँ ले जाने की प्रक्रिया है? हमने बताया ना कि हम प्रशासनिक अधिकारी जो नवाबगंज के हैं, उप जिला अधिकारी जी के कार्यालय में ले जा रहे हैं। हम उनको कहते कहते थक चुके हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि इन सालों के लिए हम उन्हें कहाँ ले जाएं, हमें कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हर अधिकारी यही जवाब दे देता है कि देखते हैं, ये देखते हैं, सुनते सुनते 3रा दिन हो गया है, वो अभी देख ही रहे हैं। प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जहां पे आवारा पशुओं की समस्या ना बनी हो या किसानों की फसलें बर्बाद ना होती हो, लेकिन यहां के ही ग्रामीणों में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? पहल कोई तो करेगा, पहल कहीं से तो होती है। आज हरैया गांव ने ये पहल की है, संस्था इनके साथ खड़ी है और संस्था इनके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये जनहित की समस्या है। इससे कोई एक गांव नहीं प्रभावित है, संस्था ने लगभग 85 गांव का दौरा किया है। लोग संस्था को अवगत कराते हैं, अपने मन की बात, अपने व्यथा संस्था को सुनाते हैं, क्योंकि संस्था जनता का मंच है, जनता के लिए बनी है, जनता की आवाज़ है। इसलिए वो संस्था, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई ब्लॉक का अधिकारी हो, कोई सुनने वाला नहीं है। पहली बात है, आप कार्यालय में जाए अधिकारी ही नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कह देते हैं हम क्या करें इसमें, ये जवाब होते हैं अधिकारियों के लिए। इसलिए जैसे कि अभी कुछ मीडिया कर्मियों ने ये कहा था कि हमें ये एक अपराध है, इन पशुओं को बांधना अपराध है और इसके संबंध में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मुझे ये बताएं, ये अपराध किस तरह से, अपराध कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहे हैं, सरकार कर रही है या संस्था कर रही है, ये बताएं। इसमें आइडेंटिफाई करें कि अपराध किसका है। संस्था बराबर सरकार को सूचना पहुंचाने के लिए प्रशासन को चिट्ठियां देती रही है, ज्ञापन देती रही है, हर घटना से अवगत कराती रही है, उसके बाद भी जब प्रशासन एक्शन में नहीं आ रहा है तो अपराधी कौन हुआ ये बताया। पुलिस प्रशासन ने बहुत ही प्यार से वो ट्रालियां तहसील परिसर से संस्था अध्यक्ष से ये वादा किया कि आपकी समस्या को सुना जाएगा, आप ये ट्रालियां चौकी की तरफ ले चलिए, कस्बा चौकी की तरफ वो ट्रालियां मुड़वाई थी, पुलिस प्रशासन अपने सिक्योरिटी में लेकर गई थी। उसके बाद कस्बा चौधरी में, उस कस्बा में ले जाने के बाद पुलिस प्रशासन का रवैया वहां पर जाकर बदल चुका था। हो सकता है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर ऊपर से सख्ती करने का आदेश आया हो। पुलिस प्रशासन ने कहा
कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और गाड़ियां सब सीज कर दी जाएंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, किसान अपनी समस्या कहने आया और ना ही पशुओं के साथ कोई क्रूरता हुई है, ये सबको पल पल की अपडेट संस्था ने प्रशासन को दी है। प्रशासन संस्था से कहीं पर भी इसमें कोई चूक नहीं हुई है, ना ही किसानों से उनमें कोई चूक नहीं, किसानों ने जब पशुओं की पूरी देखभाल की थी, ये चीज़ सबको पता है, सबको अवगत कराई गई है। उसके पश्चात वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने कहा कि इन पशुओं को वापस जहाँ से लाए हैं वहाँ ले जाया जाए, तो संस्था ने कहा कि ये पशु वापस वहाँ नहीं जाएंगे। सिर्फ संस्था का ही नहीं, किसानों का भी कहना था कि वापस नहीं जाएंगे वहाँ पर, इन्हें गौशाला सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए, ये हमारी मांग थी। उसके पश्चात पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ट्रालियां लेकर उनको वापस जो है कहने लगे कि हम इन्हें गौशाला ले जा रहे हैं। अच्छी बात है, पुलिस प्रशासन ने उनमें उसमें सहयोग किया और उनको ट्रालियों को लेकर गौशाला में उन्हें पशुओं को छोड़ा गया। उसके पश्चात वापस आकर पुलिस प्रशासन ने किसानों की दोनों ट्रालियां सीज कर दी। आखिर किसानों की समस्या को सुना भी नहीं जा रहा है, किसानों की समस्या की तरफ देखा भी नहीं जा रहा है और उसके पश्चात किसानों की दोनों ट्रालियों के ऊपर एक लंबा जुर्माना, एक लंबा चालान किया गया। एक ट्राली पर 32,500 का चालान किया गया है, एक ट्राली पर 34,500 का चालान किया गया। और इसके अलावा जब पुलिस प्रशासन वहां से ट्रालियों को ले जा रहा था, उस बीच पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठी चार्ज भी आरंभ किया था। बहुत ज़्यादा मात्रा में लाठी चार्ज नहीं किया, इसलिए कि किसान वहां से तितर बितर हुए थे और उसके पश्चात उन्होंने संस्था अध्यक्ष से भी अभद्रता करने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने वहां उन ट्रालियों के ऊपर एक लंबा जुर्माना, एक लंबा चालान किया गया। एक ट्राली पर 32,500 का चालान किया गया है, एक ट्राली पर 34,500 का चालान किया गया। और इसके अलावा जब पुलिस प्रशासन वहां से ट्रालियों को ले जा रहा था, उस बीच पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठी चार्ज भी आरंभ किया था। बहुत ज़्यादा मात्रा में लाठी चार्ज नहीं किया, इसलिए कि किसान वहां से तितर बितर हुए थे और उसके पश्चात उन्होंने संस्था अध्यक्ष से भी अभद्रता करने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने वहाँ की संबंधित चौकी पर जो भी एसआई मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने संस्था अध्यक्ष से, जब सारी भीड़ को उन्होंने ख़त्म कर लिया था, मीडिया कर्मी भी वहाँ से जा चुके थे ताकि कोई बात मीडिया कर्मियों तक ना पहुँच सके, उस समय पुलिस प्रशासन ने संस्था अध्यक्ष वहीं बैठी रही चौकी पर, उन्होंने कहा अगर मुकदमा लिखा जाता है तो बिल्कुल लिखे, अगर संस्था ने गलत कार्य किया है, अगर जनता की आवाज़ को उठाकर, किसानों की आवाज़ को उठाकर कोई अपराध किया है, उनकी समस्या को प्रशासन को बताने का अपराध किया है, तो मैं इस अपराध को स्वीकार करती हूँ, और अगर इस आवाज़ को उठाना अपराध है तो इस अपराध की आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहें मैं उस सज़ा को ले स्वीकार करती हूँ। आप मुकदमा लिखना चाहें, संस्था अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेती है और आप मुकदमा लिख सकते हैं। संस्था अध्यक्ष को अगर जेल भेजना चाहें, संस्था अध्यक्ष जेल जाने को भी तैयार, किंतु किसी भी किसान को यहाँ पर हम पुलिस प्रशासन के सुपर्द करके नहीं जा सकते हैं। हमने कहा ये किसान एक एक यहाँ से जाने चाहिए, उनकी ट्रालियाँ छोड़ी जानी चाहिए, किसान अपनी समस्या लेकर आए थे, आपने उनके ऊपर एक और वार कर दिया, यानी कि उनके ऊपर एक लंबा चालान देकर ये प्रशासन कहना चाह रहा है, यहाँ का नवाबगंज प्रशासन अपनी तानाशाही को दिखाना चाह रहा है कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हम आपका सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, हम किसानों को इतना तोड़ देंगे, किसानों के ऊपर इतना चालान लाद देंगे कि एक तो ये वैसे ही दो वक्त की रोटी इनके लिए जुटाना मुश्किल पड़ रहा है, अब हम इनके ऊपर इतना चालान करते हैं, देखें कैसे मुंह से आवाज़ कोई निकालता है। लेकिन क्या शासन प्रशासन इतनी बड़ी गंभीर समस्या को अनसुना व अनदेखा कर इस समस्या से निजात पा सकता है?
ये सवाल आज भी बना हुआ है। प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, किसी ने अभी कोई निस्तारण समस्या को नहीं दिया है। हाँ दिया है तो एक